और उधर नू में पिछले दो हफ्तों से जारी बुलडोजर एक्शन के ऊपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। नू हिंसा मामले पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने तुरंत कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि बुलडोजर की कार्रवाई तय कानून प्रक्रिया के तहत हो रही है या फिर नहीं। इसके लिए कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 11 अगस्त तक का वक्त दिया है। 31 जुलाई को नू में हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आई। वहाँ करीब 37 जगहों से अवैध निर्माण हटाया गया, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि अभी तक कितने अवैध ढांचों को गिराया गया और क्या कार्रवाई के पहले उन्हें नोटिस जारी किया गया था। और उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज नू जिले का दौरा करेगा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता वहां के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचेंगे और वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरे पर कांग्रेस ने बयान जारी करते हुए बताया कि उनका मकसद हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति और भाईचारा कायम करना है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। कांग्रेस ने नू हिंसा के हाईकोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग भी उठाई है। कांग्रेस ने बयान जारी करके कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा ना जाए और किसी निर्दोष आदमी को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए न्यायिक जांच करवाना जरूरी है। और उधर नू में हुई हिंसा के बाद से ही वहां पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पुलिस लगातार इस मामले में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत पुलिस इस मामले में अब तक 10 लोगों के ऊपर केस दर्ज कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक इस वक्त कुछ लोगों के भड़काऊ पोस्ट आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जैसे ही हालात सामान्य होंगे वो इंटरनेट सेवा बहाल कर देंगे। पुलिस ने बताया कि विदेशों से भी कई भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे हैं, ऐसे में वो लगातार लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। लगातार हम हर जगह का बाहर का भी कंटेंट मॉनिटर कर रहे हैं इंटरनेट का। पुलिस ने बताया कि जो लड़के सोशल मीडिया पर झूठे वीडियो वायरल कर रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है। और उधर मध्य प्रदेश के खंडवा में मस्जिद के पास से गुजर रही कांवड़ यात्रा पर पथराव करने का एक मामला सामने आया, जिससे कि पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। और आनंद फानन में भारी पुलिस बल को घटना वाली जगह पर तैनात किया गया, जहां कांवड़ और दूसरा पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और बड़ी मुश्किल से हंगामे को शांत कराया और लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की। उस वीडियो फुटेज के आधार पर उस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इस कांवड़ यात्रा में हजारों युवा शामिल थे और पुलिस प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध कर रखे थे, लेकिन यात्रा के अंतिम पड़ाव के पहले मामूली बात पर पथराव हो गया, जिसे पुलिस ने काबू करते हुए कांवड़ यात्रियों को मौके से रवाना किया। और एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है, जहां पर ज्ञानवापी परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस जनहित याचिका में यह कहा गया है कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी जिला अदालत का फैसला नहीं आ जाता, तब तक परिसर पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए और ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने का भी आदेश दिया जाए।